रोहतक के विजयनगर में हुए चौहरे हत्याकांड का मामला एक बार फिर से उठा है। दिल्ली के अमन वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर डी पार्क पर धरना दिया। संगठन के सदस्यों ने मांग की है कि इस प्रकरण में आरोपित अभिषेक को फंसाया गया है, इसलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एनजीओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु कुमारी शुक्रवार सुबह अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ डी पार्क पर पहुंची, जहां पर उन्होंने करीब 3 घंटे तक धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विजयनगर में हुए चौहरे हत्याकांड के मामले में आरोपित अभिषेक को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस ने उसे फंसाया है, ऐसे में मामले की सीबीआई जांच बेहद जरूरी है। सीबीआई जांच के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। गौरतलब है कि 27 अगस्त को विजयनगर में प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप मलिक, उसकी पत्नी बबली, बेटी और सास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रदीप मलिक के बेटे अभिषेक पर हत्या का आरोप है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद है। आरोपित के अधिवक्ता मोहित वर्मा भी सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। मैं अमन वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ से रेणु कुमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और ये जो एनजीओ है ऑल इंडिया पे है, और न्यू उस्मानपुर दिल्ली से। आज आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आज हम यहाँ अभिषेक उर्फ मोनू, जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने माँ बाप, बहन और नानी को गोली से ख़त्म कर दिया, और जो भी है पुलिस ने मतलब उसी पे सारा दोष डाल दिया है। आपको क्या लगता है? मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, डाउट है, और मुझे ही नहीं सभी को डाउट है, लेकिन सामने कोई आ नहीं रहा है, वो वजह मैं भी नहीं जानती। डाउट मुझे क्यों है, क्योंकि जब उसके मामा ने आके कहा कि गोलियां चल रही थी मेरे पीछे, और पुलिस वालों ने कहा कि ठेके के पास उसने बताया था कि ब्लैक कलर की गाड़ी है, और वहाँ पर फिर कह रहे हमने फुटेज निकलवाई, फिर उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि और फिर उसकी सिस्टर को गोली लगी थी हॉस्पिटल, पीजीआई हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। उसके मामा ने ज़बरदस्ती उसको ले जाके मैदानता में लेके गए, जो कि यहाँ से डेढ़ घंटे का रास्ता है, ठीक है, डेढ़ घंटा आने का। फिर मैदानता में जाने के बाद वो वापस रेफर कर दिया गया पीजीआई में, और पीजीआई में वो लड़की ख़त्म हो जाती है, टाइम की उससे ही कहेंगे हम। और फिर सबसे बड़ी गलती कि सिक्योरिटी के लिए पुलिस का एक भी अधिकारी या पुलिस का आईओ कोई भी उनके साथ नहीं गया था, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ें गलत लग रही हैं। जब इतना बड़ा कांड हो गया तो पुलिस को क्यों नहीं भेजा गया वहाँ पे? आपका कहना यह कि इसके मामा का कराया हो सकता है? देखिए, मामा की गलती है, वो सीबीआई जांच होगी तभी पता लग पाएगा कि असली दोषी कौन है, और हम लोग यही चाहते हैं। आज हम जो यहाँ पे दिल्ली से रोहतक हरियाणा में आए हैं, हम इसीलिए आए हैं, जो कि हरियाणा के गब्बर माने जाते हैं अनिल विज जी, आज हमारी उनसे ये अपील है कि इस बच्चे की मदद करें और सीबीआई की जांच करें, ताकि जो दोषी है उसका चेहरा सबके सामने आए, और हम इसी उम्मीद से यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, उनके वकील साथ हुई है? हाँ जी, हमारी उनसे मुलाकात हुई थी 27 सितंबर में हुई थी, उससे पहले मैं जो भी न्यूज़ में आ रहा था वो सब देख रही थी, फिर मैंने उनसे मुलाकात की, उनसे बातें की, तो उन्होंने भी ये कहा कि फोकस जो है अभिषेक मोनू को बनाया गया है, भाई सीबीआई जांच की हमने भी डिमांड की है।